देहरादून में आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में वीडियो वैन भी रवाना की। साथ ही उन्होंने बताया कि वीडियो वैन के जरिए उत्तराखंड में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को दिखाया जाएगा, जिसके जरिए लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होंगे। जिस सपने को लेके उत्तराखंड बनवाया था, आज उस सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करने का दिन आ गया है। उत्तराखंड के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बस एक साल रह गया, अगले फरवरी में चुनाव होना है। कि मैं थोड़ा सा ही भाषण देख पाया उनका, और मोटे तौर पे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देख पाया। ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की, लाए थे, उसमें लिखा था नई एजुकेशन पॉलिसी में कि हम 6% GDP का एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और वो नई एजुकेशन पॉलिसी का उसी को आधार बनाया था। उसकी खूब चारों तरफ केंद्र सरकार के मंत्री तारीफ करते घूम रहे हैं, जी बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। तो 6% GDP का तो इसमें लाए नहीं आप, तो 2% भी नहीं लेके आए। इतना बड़ा वीडियो वैन लेके अभी तक नहीं चले। हम लोगों ने दिल्ली में भी इसी तरह से चुनाव लड़ा था, हम गली गली घूमे थे, गाँव गाँव घूमे थे। यही अभियान अब हमारा काम था, 10 लोगों को जोड़ना, 10 लोगों ने और 100 लोगों को जोड़ा, 100 लोग और जोड़ेंगे, तो अब ये 10,000 कार्यकर्ता अगले 45 दिन में अगर 10-10 कार्यकर्ता भी बनाएंगे अपनी सारी जनसभाओं से, तो आराम से हम 45 दिन में 1,00,000 कार्यकर्ता। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।